हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी क्विज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं एलजेब्रा के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एलजेब्रा से कैसे किए जाते हैं उसकी ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से केवल देखते आंसर हम लगा दें, इतनी प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम केवल ऑप्शन देखते आंसर लगा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन। देखिए पहले सीखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, फिर एंड में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रिक को केवल क्वेश्चंस को देखना है और हल्का सा सॉल्व करके और आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 2 सेकंड के अंदर आंसर आप निकालना सीख जाओगे। देखिए पहले इस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं ये समझते हैं कि अप्रोच सीखते हैं कि एक्चुअली वो ट्रिक आई कहां से। देखिए मान लीजिए आपको गिवन हो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू a, ठीक है, a का मतलब क्या है, जैसे यहां पे 6 लिखा हो वो 6 लिखा हुआ मिल सकता है, और जो ट्रिक लगाने वाले हैं वो ट्रिक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। देख रहे हैं इसका करता हूँ मैं स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दोनों तरफ मैं करता हूँ वर्ग, वर्ग करता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और ये a का स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, ये पार्ट वन में हमने सीख लिया था किस तरीके से आता है, ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये x से x कट जाएगा कितना बचा हमारे पास 2 बचा a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। अब जो हम ट्रिक लगाने वाले वो ये है कि यदि आपको x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a दे रखा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट जब ये पूछा हो, क्या पूछा हो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यदि हमारे से पूछा हो, ये तो गिवन है हमको क्वेश्चन में, मतलब ये हमको गिवन है और पूछा क्या हमारे से, ये पूछा है हमारे से, क्या पूछा है ये पूछा है, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ये हम अप्लाई कर देंगे। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, ए का वैल्यू हमारे पास 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, माइनस 2 कर दो कितना हो गया 36, माइनस 2 कितना आंसर आ गया 34, बस आंसर आ गया, निकल गया इसकी शानदार ट्रिक। अब इसका ट्रिक लगाने तो आपके दिमाग में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर में हमारा क्वेश्चन है तो स्क्वायर के टर्म्स में हमारा ट्रिक तैयार है, ये लगाना है और माइनस 2 कर देना है और आंसर आया। अब ये कहां से आया ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली आया कहां से, तो आप बेसिक याद रखना चाहो बेसिक याद रख लीजिए, ट्रिक करना चाहो तो ट्रिक कर लीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दिया। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाला क्वेश्चन है, कोई स्क्वायर का क्वेश्चन बचाएगा, हाँ है, पहले स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर स्क्वायर ऑफ करके ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4, ठीक है ये गिवन है, तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है 4, 4 मतलब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 14, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका, सिंपल सा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कौन सा कंसेप्ट लगाया a स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमको स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया 14 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। कहां से ये कंसेप्ट आया फिर बता रहा हूं मैं, इस कंसेप्ट से हमको ये शॉर्ट ट्रिक मिला है, तो इस शॉर्ट ट्रिक को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि थ्योरी में आपको क्वेश्चन करना हो इस तरीके से करिएगा, यदि डायरेक्ट ऑप्शन में हो तो इस तरीके से करके आप आंसर को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। देखिए यदि क्यूब वाले क्वेश्चन करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब कर दो, क्यूब कर दो कहने का मतलब है दोनों तरफ क्या कर दो घन, तो x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इधर भी कर दो और इधर भी a का क्यूब लगा दो, ठीक है a का a प्लस b का होल फॉर्म पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने a का a पर इसके ऊपर क्यूब, a पर इसके ऊपर क्यूब, फिर 3 फिर पहला फिर दूसरा वैल्यू लिख दो x 1 अपॉन x और ये फोटो एज इट इज लिख दो, यही हम लोगों ने सीखा था, उल्टे क्या चल रहा हमारा a क्यूब। देखिए ध्यान से समझिए ये x से x कट जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यहां पे मिला हमको 3 और ये जो बॉक्स है वो एज इट इज और ये a क्यूब, इस ये किसके बराबर है हमारे पास में, ये वैल्यू है हमारे पास a के बराबर, तो यहां पर हम a रख दो थोड़ी देर के लिए, समझिएगा
है, तो हमें चाहिए इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू चाहिए, ए क्यूब इसको उधर ले जाओ 3a, तो हमें ट्रिक निकल के आ गया हमारा, क्या हो गया ए क्यूब माइनस 3a निकल के आया यदि इसका वैल्यू पूछा हो तो। और हमें गिवन क्या होगा, ए गिवन होगा। देखो कोई क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहले सिंपल से क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम ये क्वेश्चन लेंगे। देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू हमको कितना दिया है 2, मतलब 2 किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। पूछा क्या हमारे से, क्यूब वाला वैल्यू पूछा, क्या पूछा हमारे से, क्यूब वाला वैल्यू पूछा है, तो ट्रिक क्या लगेगा हमारा ए क्यूब माइनस 3a। कहां से ये ट्रिक, ये जो ट्रिक तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया और यहां से निकल गया एक ट्रिक, तो लगा सकते हैं ए क्यूब मतलब ए क्या है हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3a, ए कहां पर है मेरा 2, तो कितना हो जाएगा थोड़ा साफ लिख देते ना, जो ए क्यूब माइनस 3a तो 2 का क्यूब माइनस 3 बोले 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार कितना बार 8, माइनस 3 गुणा 6 कितना हो गया 2, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास में। जब डायरेक्ट ट्रिक लगा करके करना चाहो तो उससे कर सकते हो, यदि आप पूरा कंसेप्ट से करना चाहो तो कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो समझते हैं किस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। हम ऐसा कर सकते हैं एक्स का ऐसा वैल्यू मान लेने कि इसको इसको सॉल्व करते हमारे को 2 मिल जाए। क्या कहा हम लोगों ने, एक्स का ऐसा वैल्यू मान लेने जो हमें क्या मिल जाए 2 मिल जाए। तो एक्स का वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 कितना मिल गया 2, तो एक्स का वैल्यू 1 रखने पर हमको 2 मिल रहा है। इसको सॉल्व करने पर यहां पर मान रख दो यहां पर मान रख दो, तो 1 का क्यूब 1 1 अपॉन 1 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आंसर कितना लेना 2। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, हमें दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2√3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम लोग ट्रिक लगाएंगे क्यूब वाली, क्यूब वाली ट्रिक क्या होती है ए क्यूब माइनस 3a, और a बराबर क्या है यही है, कोई समस्या नहीं। ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू 2√3 का क्यूब माइनस 3a का मतलब 2√3। चलो सॉल्व करते हैं, 2√3 कितनी बार लिखना है 3 बार, 2√3 2√3 2√3, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 6 6√3। यदि रूट थ्री के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो एक वीडियो बनाते हैं तो आपके रूट के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो भार वाली वैल्यू, भार वाली वैल्यू और भार वाली वैल्यू 2 2 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 2 2 2 2, और √3 और √3 कितना हो गया 3, और ये कितना है ऑलरेडी √3, और ये कितना है -6√3। यदि सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया हमारे पास 24√3, कितना हो गया 8 3 24, मतलब 24√3, इसको थोड़ा कर देना 24√3 -6√3, तो 24 में से 6 गए कितना बचा हमारे पास 18, तो 18√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, अब देखो हमें क्या करना है, इसका निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये निकालना है। कैसे निकलेगा देखना समझना, इसका जब होल क्यूब करोगे आप तो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, कैप्रोच क्या लगा रहे हैं हम लोग, ट्रिक क्या लगा रहे हैं, ए क्यूब माइनस 3a, तो a का वैल्यू कितना है √13 × √13 × √13 -3√13। ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई कर दिया √13 √13 कितना हो जाएगा 13√13√, और यहाँ पर कितना है 3√13, तो 13 में से 3√13 गए तो कितना बचा, मतलब 13 में से 3 गए तो कितना बचा 10 बचा, और √13 √13 कितना हो गया ये √13 हो गया, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुल मिला के 2 चीज सीखा हम लोगों ने, एक तो सीखा हमने ये कंसेप्ट किसके लिए, जब स्क्वायर का निकालना, एक कंसेप्ट हम लोगों ने कौन सा सीखा, ये वाला कंसेप्ट सीखा जो हमको यदि क्यूब की वैल्यू निकालनी हो और सब कुछ प्लस में हो तब हम लोगों ने कंसेप्ट को सीखा। अब नेगेटिव को किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार ट्रिक के साथ और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।